गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और उनकी इंटेंशन टूवर्ड्स यू। ये रीडिंग आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, ब्रेकअप हुआ हुआ है, हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, कपल्स हैं, फियांसे हैं, इन लव हैं, कमिटमेंट में हैं, रिसेंटली कोई कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली कनेक्शन शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया। इट्स बेस्ड ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखेंगे, आपकी सिचुएशन से, आपकी एनर्जी से ये मैच करेगी। इसमें जो भी मैसेजेस आए, आप वही पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो शुरू होने से पहले ही अगर आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से कार्ड शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। ये रीडिंग लव इंटरेस्ट की है, तो अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि अगर आप गॉड फॉरबिड ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो मैं आपको ज़बरदस्ती मुस्कुराने के लिए नहीं कहूँगी। बट अगर आप अपने पार्टनर के लिए उनकी एनर्जीज़ को जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने आप के लिए अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आइए। लेट्स सी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। प्लीज हमें गाइड कीजिए। ऑलराइट, टू मोर कार्ड्स। प्लीज हमें गाइड कीजिए। प्लीज हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एंड करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। वन मोर कार्ड। इतने सारे नहीं चाहिए हैं और हमारे पास 5 आए हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़। वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास 8 of Wands का कार्ड आया था, वो मैं एज इट इज़ रख दूंगी। फिर हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 7 of Swords, 3 of Swords, 9 of Wands, 10 of Wands एंड 10 of Pentacles। 10 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इस डेक को, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, 5 of Swords, ऑलराइट। अगर इस वक्त करंट एनर्जीज की बात की जाए, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, स्वॉर्ड्स, एयर साइन और फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, स्कॉर्पियो टॉरस, स्कॉर्पियो कैंसर और पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ऑलराइट, एरीज लियो सैज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मे बी आप किसी सजिटेरियस से, एरीज से और लियो से आप डील कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जीज अगर देखी जाए, बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक है कि अभी मेरा बार बार जो है वो इस कार्ड पर जा रहा है। कोई लड़ाई हो गई है एकदम से आप दोनों के दरमियान, या तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है, या आपके पार्टनर इस वक्त किसी से आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ओके, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं,
बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। लेट मी सेट द कार्ड्स फॉर यू ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। ओके नाउ बेटर। आपके पार्टनर इस वक्त बात करना चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेशन के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, थोड़े से साइलेंट हुए हुए हैं, क्वाइट हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं हैं, आपके लिए बहुत डीप इमोशंस और फीलिंग्स रखते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो इतने ज़्यादा क्वाइट हुए हुए हैं कि शायद कोई उन्होंने कुछ ड्रिंक किया है, कुछ मेडिसिन ली हैं नींद में, या वो आपके थॉट्स से ना निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर इट्स वेरी ट्रिकी आई मस्ट से, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी बात पर आपका उनके साथ। आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला हुआ था बहुत दिनों से और वो आपको पता चल गया है, और जैसे ही वो पता चला है तो डेफिनेटली आप लोगों की लड़ाई हो गई है इस बात पर और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग है। इट कुड बी फीमेल, इट कुड बी मेल, बिजनेस, जॉब, करियर, अफेयर, एनीथिंग, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूर है। शायद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से आपका और अपने बारे में बात छुपाई हुई थी और जब ये बात डिस्क्लोज़ हुई है तो वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड मोड में चले गए हैं, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और आपने भी बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है एक तरीके से। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ बहुत बर्डन फील कर रहे हैं बिकॉज सिचुएशन एकदम से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई रिलेशनशिप जो है वो ये आपका आपके पार्टनर फॉर श्योर, आप दोनों मैरिड हैं, मैरिड नहीं हैं तो एंगेज्ड हैं, एंगेज्ड नहीं हैं तो कमिटमेंट में हैं। आप दोनों किसी और से, मतलब थर्ड पार्टी में, यानी कि आप कोई किसी और के साथ हैं और आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं वो किसी और के साथ हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो मुझे नज़र आया है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके रिश्ते को या इस रिलेशनशिप को बहुत बहुत पुराना अरसा हो गया है, बहुत ज़्यादा पुराना अरसा हो गया है और अभी जो एकदम से सिचुएशन ख़राब हो गई वो एक सीक्रेटिव एटीट्यूड की वजह से हुई। आपके पार्टनर ने शायद हिडन रखा हुआ था, सीक्रेटिव रखा हुआ था, ये रिलेशनशिप रिवील नहीं किया हुआ था किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, हो सकता है फैमिली के ऊपर, हो सकता है सिबलिंग्स पर, अपने कपल पर, अपने पार्टनर पर, और वो शायद फ्रेंड जोन में रखते हुए इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहे थे लेकिन अचानक से सिचुएशन जो है वो बिगड़ सी गई। और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये बहुत 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 स्पेसिफ़िक है, प्लीज़ इसको स्पेसिफ़िक लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकती हैं, बहुत गहरी नींद में थे या तो उनके मुंह से आपका नाम निकला है, या उन्होंने कुछ हो सकता है भाई ड्रिंक करते हों और वो अपने होश में नहीं थे और आपका नाम निकल आया और आपके उनके पार्टनर ने या वो जिसके साथ थे उन्होंने उसको पिक कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी करंट सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एक एज पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एक ऐसे एज पे पहुंच चुके हैं जहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करना उनके बस से बाहर फील हो रहा है। उनको बहुत ही बुरी सिचुएशन में हैं गॉड फॉरबिड इस वक्त आपके पार्टनर, और बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। वो लोगों को समझा रहे हैं, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, अब आपस में फैमिली में बहुत ज़्यादा मुझे ड्रामा नज़र आ रहा है जिसमें वो एक तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कुछ नहीं भी किया फिर भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो कुछ ऐसा मामला लग रहा है। अगर करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो शायद आपको याद कर रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे और बात करने के चक्कर में उन्होंने कुछ सेडेटिव मोड में जो है वो कोई ऐसी चीज़ कर दी, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, कोई ऐसा नाम ले लिया, कोई ऐसी बात कर दी जो उनके करंट पार्टनर ने, यानी कि जिसके साथ वो अभी एसोसिएटेड हैं जिसके साथ वो अभी एसोसिएटेड हैं उनके ऊपर ये चीज़ रिवील हो गई।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप देख रहे हैं, जिनके बारे में आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को या देख रहे हैं, उन्होंने आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ है, चाहे आप लोग दोस्त हों, कपल्स हों, फियांसे हों, लवर्स हों, व्हाट्सएवर, लेकिन उन्होंने शायद आपको और आपने एक दूसरे के रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ था और आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से सिचुएशन बिगड़ जाएगी। थर्ड पार्टी का आपको पता भी है, पता भी था, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन जिस तरीके से उन्होंने डील की वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ होने में डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ और दोनों ही का हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ, दोनों का ही हुआ है। 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर 10 नंबर की बात की जाए तो 10 नंबर एक तरीके से कंप्लीशन का नंबर होता है, यानी कि 10 नंबर को आप नोटिस कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपके पास जो है वो 10th नंबर पे क्या चीज़ आपको आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिगनिंग भी होती है बाज़ दफ़ा 10 नंबर की, यानी कि 1110 जिसे कहते हैं, और एक तरीके से फुल कंप्लीटमेंट भी होती है, बट एक फ्रेश स्टार्ट भी होता है। लेकिन फ्रेश स्टार्ट अगर अब होगा तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज आप दोनों ही बहुत अबंडेंट, बहुत आप दोनों ही बहुत स्टेबल और बहुत दोनों ही बहुत कंप्लीट लग रहे हैं, यानी आप लोग इमोशनली कंप्लीट हैं, फाइनेंशियली कंप्लीट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से आप लोग बड़े स्टेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कमी महसूस हो, और बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत गार्डेड, बहुत प्रॉपर फैमिली, दोनों बड़ी इस्टेब्लिश फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो सिचुएशन अभी अचानक से हो गई उसमें आपके पार्टनर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और एक एज पे ऐसे पहुंच गए हैं कि उनको सिचुएशन हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है, और उनको ये लग रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने अपने रीसेंट पार्टनर के साथ भी आपको लेकर आर्ग्यूमेंट हो गए, और आप जो एक बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह उनकी तरह थी या हैं या थे, उनको लग रहा है कि वो आपको लूज़ कर देंगे, बिकॉज आपके साथ एसोसिएट रहकर वो बड़ा खुश फील करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है, रिवर्स में आया है, बट इवन देन यहाँ पर क्लैरिटी है, वो आपसे बात करना चाहेंगे। करंट एनर्जीज में मुझे यही लग रहा है कि उनको डर लग रहा है कि आप शायद उनसे बात ना करें, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। इस बात के बाद हो सकता है आप कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करें, वो आपसे बात ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन अभी जो मसला हुआ है वो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, वो आपसे बात डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप को वो सीक्रेटिव रख कर लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन ये एकदम से अचानक से रिवील हो गया है। ये तो एनर्जीज़ की बात थी, लेट्स सी के उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं, फिर हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हैं, फिर हम इंटेंशंस पर आएंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। अजीब सी सिचुएशन हो गई, ये तो लग रहा है जेन्युइन इमोशंस हैं ये तो फॉर श्योर। अच्छे दोस्त हैं आप लोग, अच्छे पार्टनर्स रहे हैं शायद, ऐसा तो नहीं है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स इमोशंस इस वक्त उनके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, अभी 3 कार्ड्स नहीं तो ज़्यादा आ गए, वील ट्राई टू टेक वन एट अ टाइम, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 2 कार्ड्स, ऑल राइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, 3 ऑफ कप्स। ओके, वो प्लान कर रहे हैं कि शायद आप उनको फ्रेंड जोन में रख लें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। सेलिब्रेशन चाहते हैं या इस वक्त सेलिब्रेशन के मोड में हैं, लेकिन सेलिब्रेशन होती हुई नज़र आ नहीं रही, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने शायद इस तरह सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाएगी कि 3 और 3 सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी कहीं कहीं फील हो रहा है, उनको बिल्कुल श्योर हो रहा है कि आप अब उनसे बात नहीं करेंगे, ये सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बिकॉज हम फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं। 2 of Wands, ओके, वेटिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद आप उनको टेक्स्ट कर लें, कॉल कर लें, बात कर लें, कोई प्लान है उनके जहन में, ही इज़ डेफिनेटली और शी इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू नो कोई डायरेक्शन, कोई कोई मैसेज, कोई हिंट, कोई क्लू मिल जाए उनको,
लॉन्ग टर्म है आप लोगों का, दूर रहते हैं आप लोग एक दूसरे से, एंड यू आर वेटिंग टू गेट एन आंसर ऑफ इट. आप चाह रहे हैं कोई कोई क्लू मिल जाए, कोई क्यू मिल जाए, कोई उनको ऐसा वो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए सिचुएशन पे, ताकि बात शुरू हो जाए. उनको यकीन हो रहा है कि उन्होंने आपका सीक्रेट भी रखा हुआ था, और लवर्स तो आप लोग हैं बट वो फ्रेंड जोन में रख के आपको इस रिलेशनशिप में लेकर चल रहे थे, लेकिन आप उनको उनसे बात नहीं करेंगे इस सिचुएशन के बाद. वो ये महसूस कर रहे हैं. दीज आर देयर फीलिंग्स. We'll take two more cards, then we'll move towards the intentions. Oops, ये तो बहुत सारे आ गए. इस रीडिंग में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ओके, टू ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स. ऑल राइट, ओके. टू ऑफ कप्स से तो एक चीज़ तो बात है कि एक ये रियूनियन का भी कार्ड होता है, लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, पार्टनरशिप का कार्ड भी होता है, कंपैटिबिलिटी का भी कार्ड होता है. आपके पार्टनर को फॉर श्योर ये लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनके सोल पार्टनर हैं, आपके साथ वो बहुत जॉयश फील करते हैं. सेवन ऑफ कप्स दैट मींस अ लॉट ऑफ चॉइसेस. लेकिन अब अगर वो आपसे बात करेंगे तो उनको ये फील हो रहा है कि आपके पास बहुत सी और भी चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं वो बोलेंगे भाई सीक्रेटिव भी रखा रिलेशनशिप, बिलावज में जो है वो दिल भी तोड़ा, झूठ भी बोला, और उसके बाद जो है वो कोई ऐसा क्लू भी नहीं दिया, बात भी नहीं की, अननेसेसरीली चीज़ों को ख़राब किया, एंड देन आप दोनों का ब्रेकअप हो गया. शायद वो आपसे, अगर फीलिंग्स की बात की जाए, वो ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं, बिकॉज़ यू आर इन अ क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. बहुत नर्चरिंग आपकी एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग सी पर्सनैलिटी है. हर कोई आपके साथ, जो भी आपके साथ जुड़ता है, बहुत ही जैसे कहना चाहिए, बहुत अच्छा फील करता है, बहुत ही यू नो वेलकमिंग, और बहुत ही फील लाइक होम वाली आपकी पर्सनालिटी है. बहुत ही आप कोजी फीलिंग और कंफर्ट देते हैं लोगों को, तो उनको ये लग रहा है कि आपके साथ, आप किसके साथ भी जुड़ेंगे तो वो आपके साथ एंजॉय. बट ही और शी टेक्स यू एज अ ट्विन फ्लेम. डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पार्टनर आपको एज अ ट्विन फ्लेम समझते हैं. उनकी फीलिंग्स इस वक्त इसी तरह की हैं कि वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं. उनको लग रहा है वो आपको फ्रेंड जोन में भी नहीं रख सकते, बहुत दूर हैं इस वक्त आपसे, चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास आ भी नहीं सकते, या आप उनसे बहुत दूर हैं, या आप लोगों का कोई मेंटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग टेलीपैथिकली भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. वो आपको बिल्कुल ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, अपने सोल पार्टनर की तरह देखते हैं. वो आपको कप ऑफ़र करना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी मीट करवाना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अब वो कुछ भी कहेंगे तो यूज़लेस होगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं होता कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों जिन पर आप जो हैं वो किसी इसको इससे दोस्ती कर लो, इससे बात कर लो. ऑप्शंस की बात ये नहीं होती, ऑप्शंस ये होती है कि लाइफ में मूव ऑन होने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. अगर एक पर्सन ने ऐसा चीट किया या ऐसा बिहेव किया या ऐसा ट्रीट किया, तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू मूव ऑन. फॉर एग्जांपल फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, ऑफर्स हो सकती हैं, कोई एक्टिविटी हो सकती है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं तो आप अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं. तो ये ऑफ़र, ये उनको लगता है जो इस वक्त वो करंट फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये फील कर रहे हैं कि अगर वो आपसे अपोलोजाइज भी करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि शायद आप उनकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. ऑलराइट, एट ऑफ वॉन्ट्स दोबारा आ गया है. वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद कम्युनिकेट करके अब आपको क्लू दें. द सन आपके साथ, वो बहुत जॉयश, बहुत हैप्पी फील करते हैं. सन का कार्ड एनर्जी का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है. वो डेफिनेटली आपसे बात करके, आपको उनका एक्शन यही होगा, वो आपसे बात करेंगे. और वो बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते. कॉल या टेक्स्ट तो ज़रूर आएगी थोड़े दिनों में आपके पार्टनर की आपके पास. शायद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो वो उसके ऊपर आपको कोई क्लैरिफिकेशन दें. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू गोइंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन. बात ज़रूर होगी आप दोनों की. आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही लग रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइफ को इन्जॉय करते हैं, मोमेंट्स को इन्जॉय करते हैं. चाहे आप लोग साथ में हों, फ़ोन पर बात करें, कॉल पर बात करें, टेक्स्ट पर बात करें, पिक्चर्स एक्सचेंज करें, सोशल मीडिया पर हों, यू पीपल इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. वन, फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप बहुत रिजर्व, आप बहुत पजेसिव
और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होने वाले हैं। शायद आपके पार्टनर को आप नहीं बताएं कि आप इस सिचुएशन पर उनके साथ क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपके लिए कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। आप होल्ड करेंगे उनके करंट एक्शंस में, ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आप उनसे बात नहीं करेंगे और आप बहुत ज़्यादा, वो इस वक्त अगर एक्शन की बात ली जाए तो हो सकता है वो डर के मारे आपसे कोई एक्शन ही ना ले, बिकॉज द मून जो है वो डिप्रेशन का और फियर का कार्ड होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज़्यादा खौफ है, वो डरे हुए हैं कि जो कुछ भी ऐसा हो गया अगर वो बात करना भी चाहेंगे तो शायद आप उनसे बात ना करें। उनको आपकी तरफ से रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है आप उनसे बात बिल्कुल भी ना करें, उनके टेक्स्ट का कॉल का कोई रिप्लाई ना दें, लेकिन एक्शंस में ये आ रहा है कि उनको आपसे इस वक्त डर लग रहा है, वो आपसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कम्युनिकेट करेंगे एक्शन के अंदर, आपके साथ अपनी हैप्पीनेस फील करते हैं, आप शायद उनसे बात ना करें, वो शायद एक्शन में अगर वो कम्युनिकेट करना भी चाहें तो शायद वो प्रॉपरली आपको बता नहीं सकेंगे कि सिचुएशन ख़राब क्यों हुई या मामला ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि आप मुझे उनके ऊपर यकीन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप मुझे उनकी किसी भी बात पर ट्रस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप भी इस वक्त सैड हैं और वो भी इस वक्त सैड हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ कप्स हमारे पास, एट एट और एट, थ्राइस हमारे पास एट आया है, एट एट एंड एट। एट वैसे ओवरऑल लक के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, यानी कि पैसा आपके पास भरमार आने वाला है। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन वो क्लैरिटी कुछ ऐसी होगी जिसमें शायद आपको बहुत पेन बेयर करना पड़े। और ये भी तरीके से ये भी देखा जाए तो एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज होगा कि आपको क्लैरिटी जो है वो मिल रही होगी। इस लिहाज से भी 888 जो यहाँ पर रीडिंग में आया है वो बहुत पॉजिटिव है, वरना तो बाज़ दफ़ा लोगों को रिलेशनशिप में रहते हुए क्लूज ही नहीं मिलते। तो यस, ये ज़रूर है आपके पार्टनर आपसे एक्शन, अगर मैं उनका देखूं तो वो एक्शन लेते हुए आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनको पता है उनकी हर खुशी आपके साथ है, लेकिन आप भी बहुत होल्डिंग पोजीशन में हैं, आप खुल के कोई बात नहीं करेंगे और वो भी बहुत होल्डिंग पोजीशन में। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी बात आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि अब वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो फियर है इस बात का कि आप उनकी अब कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इट्स टू लेट नाउ। तो ये आप लोगों की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, और ये आपके पार्टनर के इंटेंशंस या उनके एक्शंस हैं। अब इस पूरे रीडिंग को मैं कंक्लूड करती हूँ। आपके लिए क्या एडवाइस है, अगर ऐसी सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। हम और एनर्जी ओरेकल से जो है वो एडवाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। तो मेरे व्यूअर के लिए ओरेकल से क्या एडवाइस है, मुझे एंड में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत लंबा अरसा नहीं लग रहा, और रीसेंट ब्रेकअप जो है वो किसी हैपनिंग की बेसिस पे लग रहा है। 1 2 3 क्रिएशन, जैसे मैंने सेवन ऑफ कप्स की बात की थी, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस सिचुएशन से जब निकलेंगे तो आप कुछ क्रिएट करेंगे, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है। आप उस पर अपना फोकस करें, आप आगे बढ़िए, और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है अपने आप को स्टक मत कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। क्वेस्ट, बहुत से क्वेश्चंस आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं, या लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे या आपके पार्टनर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप मुझे कोई भी जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आप देखें एक तरफ डार्क साइड है एक तरफ ग्रीनरी है, आपको राइट और रॉन्ग का पता चल चुका है। आपके लिए एडवाइस ये, आपके पास एक ट्रैक भी जा रहा है, आपके पास एक पाथ भी जा रहा है, उसमें ये पर्सन, ये चाइल्ड, ये कोई ऐसा इमेज है जो आपसे मुस्तकिल क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ सवालात हैं, शायद ये आपसे पूछ के रिजॉल्व करें, या आपके अंदर कोई सवालात हों, बट आपको राइट और रॉन्ग का बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है। बिटर स्वीट, ओके, व्हाट आई फील के शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में यही रहा है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, कभी खट्टा कभी मीठा, आप लोग ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और अगर ये इस वक्त आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपके पार्टनर आपको मना लेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़, वेरी गुड।
बॉटम ऑफ द डेक में इनसिक्योरिटी, बिकॉज आपको पार्टनर को, आपके पार्टनर को आपको मनाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, बिकॉज वो बहुत इनसिक्योर होते हैं. वो इनसिक्योर इसलिए होते हैं, हो सकता है आप उनके वो बताना भी चाहें ना, तो कुछ उनके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं जो उनका दिल ओपन, ये जो आया था ना फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये कुछ इसी तरीके से वो चाहें भी अपनी दिल की बात कहना तो वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो शायद वो आपको लूज़ कर दें. बट ओवरऑल आपके लिए एडवाइस यही है कि आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर फोकस करें, आपके पास अगर क्वेश्चन कोई आता भी है तो आप उसके जवाब देने के लिए कैपेबल हैं. और ये रिलेशनशिप बिटर स्वीट है, बट आपके पार्टनर आपको जो है वो मना लेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़. अगर ऐसा हो तो फिर आप देख लीजिएगा, आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेटर समझते हैं. मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है और डिग्रेड करता है तो आप जो हैं वो उसकी तरफ जाएं, लेकिन अगर ये एक छोटी मोटी सी लड़ाई है तो ज़रा देख लीजिएगा. लेट्स सी कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहते. अगर वो आपको मनाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहते. Let's see. We'll take two cards from this romance oracle deck. One, two. Oh, give your relationship a chance. Work on your partnership. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. बड़े mixy cards हैं. सी जो पहले मैंने बात की कि अगर आपके पार्टनर आपको मना लेते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू. अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो मैं नहीं समझती कि आपको उसको चांस देना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके यही पैटर्न्स हैं, कभी नाराज करते हैं कभी मना लेते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू. बिकॉज एक बात तो यहाँ पर क्लियर आई है कि कोई एक पर्सन तो आप दोनों में से या आपकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में ऐसा है जो कि फॉल्स मास्क पहना हुआ है. दिखता कुछ है लेकिन प्रिटेंड कुछ करता है कुछ. और थर्ड पार्टी का देखें, यहाँ पे भी तीन लोग हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपको कुछ और शो कर रहे हैं, इनको कुछ और शो कर रहे हैं, और आपने भी एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है, लेकिन आप एक बड़े एंजल गाइडेड पर्सन हैं. आप जो हैं वो बहुत इनोसेंट बिहेव करते हैं, बिकॉज उनके इस फॉल्स मास्क पे होते हुए भी आप उनको एक हमेशा शोल्डर देते हैं, हमेशा उनके सामने साथ होते हैं, चाहे वो खुश हों दुखी हों किसी भी फॉर्म में हों, और लेकिन वो हैं किसी और के साथ. तो इट्स ऑल अप टू यू.